आज हम आ गए हैं वामन हरी पेठी ज्वेलर्स में और हमारे साथ है अक्षरा की होने वाली बहू रानी जो हो नहीं पाई तारा इज हियर। सो तारा क्या क्या होने वाला है आज? अक्षय तृतीया है तो बहुत सारी शॉपिंग करनी है और क्योंकि कहते हैं कि गोल्ड सबसे बेस्ट होता है तो गोल्ड की शॉपिंग करने आए हैं हम आज यहाँ वामन हरी पेठे में। कहते हैं इनका नया कलेक्शन जो आया है बहुत ही अच्छा है सो मैं इनका नया कलेक्शन चेकआउट करने आई हूँ। जी हाँ, मौका है अक्षय तृतीया का और ऐसे में सास बहू और बेटियां के साथ तारा यानी उमंग जैन निकल पड़ी है अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए। भारी भरकम हार, जगमगाता मांग टीका और प्यारी प्यारी सी नथ। भाई आज तो तारा ट्राई करने वाली है अपनी पसंद के हर गहने को। काफी प्यारे पीसेस हैं इनके पास में। इसमें मोर है, मोर इज माय फेवरेट। मेरे घर पे भी अगर आप आएंगे ना तो हर जगह आपको मोर दिखाई देंगे। मेरी नेम प्लेट पे मोर है, मेरे क्या कहते हैं आप, जैसे मेरी लॉबी में आएंगे तो मेरी लॉबी में मोर है, पीकॉक है, पीकॉक फेदर्स है मेरे घर पर, मेरे जो सोफ़ा सेट है मेरे सोफ़ा सेट में भी आपको पीकॉक्स दिखेंगे। सो दिस इज़ पीकॉक ज्वेलरी। तो सबसे पहले हम सारी पीकॉक ज्वेलरी ट्राई करेंगे। एकदम मोरनी वाली फीलिंग आ रही है, वो जो अच्छी वाली मोरनी फीलिंग होती है वो वाली फीलिंग आ रही है। मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, मोरनी बागा मा बोले आधी रात मा, चनन चन चूड़ियाँ चनन चन चूड़ियाँ खनक गई देख साहिबा, चूड़ियाँ खनक गई रात मा। परफेक्ट है, मारवाड़ी गर्ल मोरनी सॉन्ग, एब्सोल्युटली स्टनिंग, आई लव दिस, मज़ा आ गया आज। सो दिस जस्ट गेट्स बेटर डे बाई डे एंड आई फाउंड द टिपिकल मोरनी रिंग ऑल्सो फॉर मी। ये कम्प्लीट करेगा मेरे लुक को लिटरली। सोने की भारी भरकम ट्रेडिशनल ज्वेलरी ट्राई करने के बाद बारी थी कुछ अलग, कुछ हल्का फुल्का और कुछ ट्रेंडी ट्राई करने की। तो देखिए हीरे के ये चमचमाते हुए पार्टी वेयर गहने। Yeah, we have necklaces, bracelets. I think these earrings are also pretty nice, isn't it? मैं एक्चुअली लाइटवेट ज्वेलरी ट्राई करना चाहूँगी। सो मैं वो जो एक स्वीट सा है जो आपके रेगुलर ऑफिस वेयर पे भी चलेगा या मेरे रेगुलर डे टू वेयर पे भी चलेगा, सो आई ट्राई दैट। ओके, तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम ये वाला गोल्ड ब्रेसलेट पिकअप करेंगे। और अब बारी थी अपने लिए एक खूबसूरत सी अंगूठी सेलेक्ट करने की। आपको किसी लड़के की जरूरत नहीं होती है, अगर आपको रिंग्स खरीदनी है तो आप खुद जाइए और अपने लिए प्यारी प्यारी रिंग्स खरीदिए, जैसे कि मैं यहाँ पर आई हूँ और अपने लिए प्यारी प्यारी रिंग्स खरीद रही हूँ। तो आखिरकार पूरी हुई तारा की तलाश, उनसे ही सुनिए कि आखिर क्या क्या खरीदा उन्होंने इस अक्षय तृतीया पर। फाइनली हमने शॉपिंग कम्प्लीट कर दी है और शॉपिंग कम्प्लीट में हमने दो ज्वेलरीज ली हैं। एक तो हमने ये वाले ईयरिंग्स लिए हैं, कफ ईयरिंग्स, इसका दूसरा सेट भी लिया है मैंने, बट हमने ज्वेलरी को मिक्स एंड मैच करके पहना है। सो वी हैव टर्न्ड इट इनटू अ स्टेटमेंट ज्वेलरी। और हमने स्टड वाले ईयरिंग्स भी लिए हैं, तो अब मैं इसे नॉर्मली अपने ऑफिस वेयर पे स्टड पहन सकती हूँ, या अगर आप खाटी हो तो मैं खाली से वो पहन सकती हूँ, या फिर मैं इसे मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ। सो मैंने दो ज्वेलरी में मैंने तीन सेट्स लिए हैं इंटेलिजेंट में, उसे कहते हैं वाई शॉपिंग। देन आई पिक्ड अप अ क्यूट सा ब्रेसलेट फॉर मी, उसके बाद बहुत ही प्रिटी सी रिंग है, ये भी डायमंड रिंग है हमारी। सास बहू और बेटिया के सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से अक्षय तृतीया की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, और आपके घर में आपके संसार में प्रगति हो, बढ़ोतरी हो, समृद्धि आए, सुख आए, और आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पे बनी रहे। उमंग ने अपनी शॉपिंग तो कर ली लेकिन अब बारी थी सास बहू और बेटिया की तरफ से उन्हें अक्षय तृतीया का खास तोहफा देने की। सास बहू और बेटिया की तरफ से उमंग का फेवरेट पीकॉक फॉर यू। It's a very beautiful gift and I think मेरे लिए तो good year already शुरू हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी दर्शकों के लिए भी अक्षय तृतीया लेकर आए ढेर सारी खुशियाँ। कैमरा पर्सन महेश चौहान के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।